हमारे खास प्रोग्राम जर्नी टू बॉलीवुड में आज हम बात करेंगे एक्टर मनीष चौधरी के फिल्मी करियर के बारे में। मनीष चौधरी का जन्म 20 अप्रैल 1969 में हुआ था। जब दार्जिलिंग के सेंट पॉल स्कूल में पढ़ते थे तभी वो एक्टिंग की तरफ बहुत आकर्षित हुए थे और दूरदर्शन में आने वाले धारावाहिक से वे बहुत इंस्पायर भी हुए थे और तभी से उनके मन में एक कलाकार बनने का सपना आया था। स्कूल की पढ़ाई के बाद मनीष चौधरी ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और पढ़ाई के बाद कुछ दिन तक थिएटर में भी काम किया था। दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद 1995 में मनीष चौधरी मुंबई आ गए थे। उनकी पहली फिल्म आई थी 2003 में जिसका नाम था रूल्स प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला। हे मिस दुखी आत्मा, तुम्हारा ऐसा ही मूड बना रहा तो मजे कैसे करेंगे यार? क्यों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद उन्होंने एक से एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया और बहुत ही उम्दा कैरेक्टर निभाया। 2009 में आई फिल्म रॉकेट सिंह में एक बहुत ही दमदार बॉस का रोल प्ले किया था उन्होंने। वाइस प्रेसिडेंट तो तू वैसे भी बन रहा था ना, चुपचाप मुझे आकर सब बता देता, तुझे क्या तकलीफ थी भाई? आप नहीं समझोगे तो समझाओ भाई, समझाओ मुझे, मैं बहुत समझदार आदमी हूँ, जेल से पहले एक बार समझा के तो देखो। फिर 2010 में उनकी फिल्म लफंगे परिंदे भी काफी चर्चा में रही। 2010 में ही बैंड बाजा बारात जो कि सुपर हिट फिल्म थी उसमें भी उनकी एक्टिंग की काफी चर्चा की गई थी। हैप्पी वेडिंग चाहिए नहीं, ओरिजिनल शादी मुबारक बस। 2012 में आई उनकी फिल्म जन्नत 2 और राज 3 में भी काफी अच्छा रोल किया था। 2013 की आई फिल्म मिक्की वायरस में फिर से एक बार पुलिस के किरदार में आए थे। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं पुलिस के किरदार में। मुझे बस इतना पता था कि ये पैसा तू ट्रैक कर सकता है। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने 100 करोड़ के लिए, ये पैसा तो मैं नहीं छोड़ा। 2015 में आई बॉम्बे वेलवेट में भी उनकी एक्टिंग की तारीफ की गई थी। 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम। अरुंधति, क्रियाकर्म करने वाले पंडित को बुला लो, अंतिम संस्कार करना है। किसका? तेरी बेटी मर गई ना। और उसी साल आई फिल्म मोहनजो दारो में भी उनके एक्टिंग को बहुत ही पसंद किया गया दर्शकों द्वारा। मुझे क्या मौका मिला, 9/11 का अटैक हो गया सारी कंपनी पर, सेल्समैनों के कमीशंस घट गए, टारगेट्स डबल हो गए, और ये सब इस इतने बड़े जीरो की वजह से। क्या है तू, तू है क्या, है क्या तू? सर, औकात क्या थी तेरी इतने कम दाम पर माल बेचने की? कमर टूट जाती है साले, प्रॉफिट नहीं होता, बिक गई ना कंपनी, कौन जीता? एक्टर मनीष चौधरी के एक लंबे फिल्मी करियर के लिए हमारे उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं।